खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से लूटी गई 2 स्कॉर्पियो, 3 बाइकें बरामद की हैं। पुलिस ने बदमाशों को सादात थाना क्षेत्र के कनेरी रेलवे क्रॉसिंग के पास गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 1 तमंचा और कई कारतूस भी मिले हैं। बदमाशों के पास से बरामद 2 स्कॉर्पियो गाड़ियां कोलकाता से लूटी गई थी, जबकि बाइकें गाजीपुर से चुराई गई थी। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों के बाकी नेटवर्क को खंगाल रही है। गाजीपुर में थाना सादात की पुलिस ने, थाना अध्यक्ष ने और क्षेत्राधिकारी एसपी सिटी, इन लोगों ने चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की गई, तो उनसे 3 मोटरसाइकिलें, 2 स्कॉर्पियो और 1 सादात में जो लूट हुई थी, इनका खुलासा हुआ है। जो स्कॉर्पियो बरामद हुई हैं वो दिल्ली और कलकत्ता से उठाई गई थी और मोटरसाइकिलें लोकल हैं। चोरी की मोटरसाइकिलें लेकर के ये लूट की घटना भी कारित करते थे। इनका आपराधिक इतिहास है जो आप लोगों को अलग से प्रेषित किया जा रहा है। इनके अन्य जो एसोसिएट्स हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करके और इनसे पूछताछ की गई है, कुछ पता रसी लगी है और उनका भी पता लगाया जा रहा है। और इन्होंने अन्य इसके अतिरिक्त जो आपराधिक इतिहास ज्ञात है, इनके कौन से लोग हैं और कितने अन्य जो अभियुक्त हैं इनके साथी हैं, उनका भी पता लगा करके आगे की कार्रवाई की जाए। पर ये चोरी घटनाएं कैसे किया करते हैं? ये चोरी की घटनाएं मोटरसाइकिल सार्वजनिक स्थानों से डुप्लीकेट चाबी से बना करके मोटरसाइकिलें चुराते थे और उसके बाद इन चोरी की मोटरसाइकिलों से लूट की घटना भी कारित करते। इनके पास से पेशकश हुई क्या? ये स्कॉर्पियो, ये जो स्कॉर्पियो की जो गाड़ियां पार्क होती थी उनको उनको खोलने का इनकी एक्सपर्टाइज थी, एक्सपर्ट थे, उनको खोल लेते थे बिना चाबी के और उनको लेकर के डुप्लीकेट चाबी के द्वारा चले जाते। सर इनकी कोई पुराने भी आपराधिक इतिहास है या फिर पहली घटना? इनकी पुराने आपराधिक इतिहास है, 1 का 7 है, 1 का 3 है, लिख करके दिया गया और भी इनकी एसोसिएट्स और आपराधिक जो घटनाएं हैं उनको पता लगाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।